नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाल्मिस्ट्री ज्ञान चरण में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अरबपति कैसे बनते हैं। अगर आपके हाथ में ये रेखाएं भी होनी चाहिए, अगर आपके हाथ में रेखाओं के साथ पर्वतों का उभार होता है और शुभ चिन्ह होते हैं तो ये आपको अरबपति बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है, और इसी निम्न मंगल से चलकर उच्च मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। और बुध की तरफ, बुध की पर्वत से चलकर गुरु की पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, प्रेम की रेखा कहते हैं। सबसे पहले छोटा मोटा सपना नहीं होता, अरबपति एक बहुत बड़ा सपना होता है। और इस आज के लाइफ में जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ हासिल करता है, एक राजा के समान जीवन जीता है, आपको देखते हैं क्या है क्वालिटियां, वो कौन से चिन्ह हैं जो आपको इतनी बड़ी ग्रोथ दे रहे हैं। सबसे पहले ये बुध की फिंगर है, ये हमारा बुध का पर्वत है। बुध का पर्वत ये पर्वत उठा होना चाहिए, जिसको कहते हैं विकसित होना चाहिए। और इसी बुध के पर्वत पे ये तीन चार लाइनें आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाती हैं, आपकी बोली वाणी को एक्टिव करती हैं, आपके बोलने की कला को सिखाती हैं, आपको बिजनेस में मास्टर बनाती हैं ये लाइनें। और ये आपकी उंगली बुध की बड़ी हो, हर चीज के सोचने की समझने की शक्ति देती है। इसी प्रकार से ये सन की फिंगर है, जिसको कि हम स्टेटस की फिंगर कहते हैं। अपने जीवन को अग्रसर बनाना है, जीवन में कुछ मान सम्मान हमारी सूर्य रेखा देती है। कहते हैं ना कि पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, जिसका मान सम्मान ना हो उसकी क्या कीमत है। तो ये सूर्य का पर्वत बताता है कि आपका स्टेटस कितना है, आप कितने ऊपर उठने वाले हैं, कितनी प्रसिद्धि पाने वाले हैं। और यहां पर बनाओ हुआ चिन्ह अगर छोटी सी ही क्यों ना हो, एक फिश साइन, ये आपको मान सम्मान दिलाती है, आपके पैसे में बढ़ोतरी करवाती है और आपको एक स्टेटस देती है। और यहां पर एक यस साइन हो, यस साइन आपको नाम करवाती है, लोगों का यस होता है तो यस रेखा का होना बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी प्रकार से एक यहां पे सूर्य रेखा हो, ये सूर्य की रेखा हो, जिसको हम ज्ञान की रेखा बोलते हैं। ज्ञान रेखा एक दूसरे को समझाने का काम करते हैं, दूसरे को ज्ञान देने का काम करते हैं, ये काफी एक्टिव रेखा हमारे जाती है। और इसी सूर्य के पर्वत पर एक सूर्य रेखा हो, एक सही निशाने पे काम करने वाला व्यक्ति होता है, काफी कहते हैं ना हिम्मती स्वभाव के लोग होते हैं ऐसे। और इतनी बड़ी सूर्य की रेखा सही दिशा में काम करने वाले होते हैं। और ये शनि का पर्वत है, शनि का पर्वत मीडियम का होना चाहिए। और शनि के पर्वत के ऊपर अगर यहां पे वर्गाकार बनाता है, ये वर्गाकार, ये आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि आपके जो पिछले फादर की प्रॉपर्टी है या आपके फादर के फादर की प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिट मिलने के बारे में बताती है। इसी प्रकार ये गुरु का पर्वत है, गुरु का पर्वत जो है मान और सम्मान का ग्रह माना जाता है, ये जीवन में ऊंचाइयां मान सम्मान
सब कुछ देता है। ये गुरु की फिंगर बड़ी हो और गुरु का पर्वत उन्नत का हो और यहां पर एक वर्गाकार बना हो, ये आपको बड़े घर में रहने का सौभाग्य देता है, एक अथॉरिटी देता है आपको, एक पावर देता है। और इसी जीवन रेखा से ऊर्ध्वमुखी रेखा हो। ऊर्ध्वमुखी रेखा क्या है? कंफ्यूजन होती है कई लोगों को। जीवन में एक प्रोग्रेस होती है, किसी भी समय जब भी ये समय रेखा हमारी जीवन रेखा से निकलती है, हमारा भाग्य उदय होने का समय बताती है। हम किसी भी कार्यों को करते हैं उसमें सफलता की रेखा है, और यहां पर अगर वर्गाकार बन जाए, ये वर्गाकार बन जाए, ये वर्गाकार आपको, ये वर्गाकार आप अपने लाइफ में अवश्य जमीन खरीदेंगे, मतलब किसी क्षेत्र में है आपकी उन्नत होने वाली है, नौकरी में है तो आपकी तरक्की होने वाली है, आपकी प्रमोशन होने वाली है। ये ऊर्ध्वमुखी रेखाएं इशारा करती हैं, आपके भाग को प्रबल बना देती हैं। और इसी के साथ भाग रेखा हमारी चंद्र के पर्वत से चले, चंद्र के पर्वत से चले, कोई भी रेखा हो अगर ये शनि के पर्वत तक पहुंचती है, इसी को हम भाग रेखा बोलते हैं। शनि के पर्वत पर ही जाने वाली रेखा आपके स्टेटस के बारे में बताती है। ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है, चंद्रमा का पर्वत। ऐसे लोगों को देश और विदेश से यात्राएं करता है और विदेश में जाके बहुत अधिक धन मात्रा में इकट्ठा करता है, बहुत अधिक धन कमाता है। और यहां पर अगर एक त्रिकोण बन जाए, ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपना हर वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और यहां पे एक फिश साइन बन जाए, फिश साइन अगर इस आपके शनि के पर्वत से निकलकर इस भाग रेखा का सपोर्ट मिल जाए, ये है आपके अरबपति बनने का रास, ये रेखा बनाती है। अगर सूर्य रेखा पे बड़ी फिश साइन है तो आपको यहां पर भी अरबपति बनाने का संकेत देती है, लेकिन भाग रेखा पे बनना आपकी अपनी मेहनत रंग लाती है, आपका अपना परिश्रम रंग लाता है। और चंद्रमा का क्षेत्र आपके मन को तसल्ली करा देता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।